के नंबर आए हैं, इन सब के लिए भी खुशी तालियां बजाएंगे। वाह जी वाह। मैं एम काम को सलाम पेश करता हूं। यकीन कीजिए, आज दिल नहीं करता कि आपको एक टीचर्स की तरह एक डिसिप्लिन में रहकर आपको कुछ मैं कम्युनिकेट करूं, लेकिन मैं एक थोड़ी सी, मैंने आपके लिए एक सुर भी तैयार किया हुआ है कि मेरी एम काम, मेरी जान, मेरी जाने जाना। तो अगर आप इजाज़त दें तो जनाब, तो एबी साहब ने इस एम काम को इतना मजबूत बना दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी सुरीला बन जाऊं जनाब। हैं मेरी एम काम, मेरी एम काम, जाने जाना, जाने जाना। मेरी एम काम, मेरी एम काम, जाने जाना, जाने जाना। मेरे डिपार्टमेंट कॉमर्स की ये शान है कि उसके माशाल्लाह जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेडिकेटेड है। अगर मैं सबसे पहले असद साहब का नाम नहीं लूँगा तो मैं बहुत ज्यादती करूँगा। असद साहब के लिए बहुत तालियां। और असद साहब का माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा भी आया हुआ है, उसके लिए भी तालियां। और असद साहब को जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, भट्टी साहब के लिए तो तालियां तो नहीं ना बजाएंगे आप। और कहते हैं कि जनाब, यहां भट्टी हो वहां राने तो लाजमी होते हैं। और नासिर साहब की एक नई एंट्री आई है खानेवाल से, बड़े ही माशाल्लाह स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े ही डेडिकेटेड है, इनके लिए तालियां। और आपने कभी हुस्ने यूसुफ देखा हो तो हमारी एक नई माशाल्लाह अपॉइंटमेंट हुई है यूसुफ साहब के नाम पर, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। एम कॉम के जो फीमेल, जो एम कॉम की जूनियर सीनियर है, वो हाथ खड़ा करें बेटा। एक्सीलेंट। अब इनके लिए मेल हजरा तालियां बजा दें, इन सब के लिए। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो थोड़ा सा टीचर बन जाऊं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट एज अ स्टूडेंट we can define the student any person who is in the process of learning, any process who is in the process of learning. Please raise your hand if you are in the process of learning. Do you think we are the student or not, ladies and gentlemen? So we can conclude that teacher cannot become the teacher if they are not at the same time they are a good student. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, महा से लाह तक इलम के तालब रहना, वह क्या फरमान है रसूल आशमी का। बट टुडे आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट यू अ फार्मूला इफ यू वांट टू बिकम द चैंपियन ऑफ द न्यू नॉलेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई शेयर विद यू द फार्मूला इफ वी वांट टू बिकम द चैंपियन ऑफ न्यू नॉलेज। हु वांट टू बिकम द चैंपियन ऑफ न्यू नॉलेज, प्लीज रेज योर हैंड।
please. Oh, mashallah, mashallah. Every person, every student, every teacher has a passion to become the champion of new knowledge. Ladies and gentlemen, respectable students, MCOM, the future of the Pakistan, I am going to share you how to become the champion of new knowledge. Respectable student, we cannot become the champion of the new knowledge until and unless we are going to challenge the existing knowledge. Are you understanding me? Until and unless we are challenging the existing knowledge, we cannot become the champion of the new knowledge. So, ladies and gentlemen, who want to become the champion of the new knowledge? So, you are ready to challenge the existing knowledge? Okay, to challenge the existing knowledge, we have to understand the existing knowledge. We have to understand the existing knowledge. So, ladies and gentlemen, if we are just analyzing our surrounding and in terms of the business environment, in terms of the entrepreneurial personalities of the great personalities, for example, take the example of the Steve Jobs. First of all, the Steve Jobs became the champion of the desktop computer. But before to become the champion of the desktop computer, the Steve Jobs challenged the existing knowledge on desktop computer. And after that, the Steve Jobs became the champion of the smartphone. मुझे ये बताएं, raise your hand, कितने लोगों के पास आज यहाँ पर smartphone है, वो उसको on कर लें, उसके जनाब उसको ऑन करने की कोशिश करें, उनके लाइट को ऑन करने की कोशिश करें. कितने लोगों के पास है? जस्ट ऑन योर स्मार्टफोन, उसकी लाइट जो है उसको आप ऑन करने की कोशिश करें. ये देखें जनाब, बहुत अच्छे, एक्सेलेंट. तालियां बजा दें जनाब, तालियां जनाब. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्टीव जॉब फर्स्ट चैलेंज द कन्वेंशनल मोबाइल फोन, देन ही बिकम द चैंपियन ऑफ द न्यू नॉलेज ऑन स्मार्टफोन. Ladies and gentlemen, I want that after graduating from the Department of Commerce or during the study in higher education like the University, Bahauddin Jinja University, first of all, I request you, please understand the existing knowledge. If we are not understanding the existing knowledge, we cannot challenge the existing knowledge. If we are not challenging the existing knowledge, we cannot become the champion of the new knowledge. Please raise your hand who is having a passion to challenge the existing knowledge. Please. For लेकिन इसके लिए बेटा आपको एक passion भी होना चाहिए. वही passion जो मैं always कहता हूँ कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं, अब पे रांझा हुई सदों नहीं मैंने दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई जनाब. तो कोशिश करें जनाब, एंड पे जाते जाते मैं आपको बाबा बुल्ले शाह की एक काफ़ी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. लेकिन आपने मेरे साथ तालियां बजानी है जनाब. कैसे तालियां बजानी है जनाब? छेती बोड़ी बेटा बीबा नहीं थे मैं मर गई, छेती बोड़ी बेटा बीबा नहीं थे मैं मर गई. मेरे साथ पढ़े आप, छेती बोड़ी बेटा बीबा नहीं थे मैं मर गई, छेती बोड़ी बेटा बीबा नहीं थे मैं मर गई, तेरे इश्क में चाया करके खैया खैया, तेरे इश्क ने चाया करके खैया खैया. वाह जी वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. छेती बोड़ी वेता बीबा नहीं थे मैं मर गई, छेती बोड़ी वेता बीबा नहीं थे मैं मर गई, तेरे इश्क ने चाया करके खैया खैया. एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया ना, बहुत शुक्रिया. क्या खूबसूरत अल्फाज सर ने बयान किए, उनको मैं अगर बयान ना करूं तो क्या फायदा, तो इस पार्टी का क्या फायदा? जूनियर कोई फायदा है? ओ वेरी गुड. तेरे इश्क ने चाया करके थैया थैया थैया, तेरे इश्क ने चाया करके थैया थैया थैया.
मेरी एम कॉम मेरी एम कॉम मेरी जान मेरी जान, मेरी एम कॉम मेरी जान मेरी जाने जाना, मेरे ए बी एम कॉम एम कॉम। Sometimes I forget to thanks the people who make my life so happy in me so ways. Sometimes I forget to tell them how much I really do appreciate the for beginning of being of important part of my life. Today just another day, nothing special going on. So thanks you will all of you. Just for begin here for all of us. अब मैं चंद ऐसे अल्फाज बयान करूंगा असाज़ा इकराम की नजर, वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। क्या आप एग्री हैं ये सुनने के लिए? मांजी शान वितु मांजी मान वितु मांजी शान वितु मांजी मान वितु बस मांजी रब सहे दुआए बस मांजी रब सहे दुआए जाते नी सब जो पेर हुजे उते खैर ही खैर हुजे। क्या जूनियर समझ आया? ये सर अल्लाह बशकान साहब को दोबारा ही सुना देता हूँ इनकी मोहब्बत में। मांजी शान भी तू मांजी शान भी तू मांजी मान भी तू मांजी रब सहे दुआ है जाते ही नहीं सब जो पेर उजे उते खैर ही खैर उजे। उरूज ऐसा नसीब हो तुझको इस दुनिया में कि आसमां भी तेरी वस्तुओं पे नाज करे। Now I invite to our most respectable honorable professor Dr. Dr. Allah Baksh, please come on the stage. आपकी क्लैपिंग के साथ प्लीज खड़े होकर आने इस्तकबाल कीजिए। खड़े होकर प्लीज खड़े होकर शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह के नाम के बाद हमने बहुत अच्छी नात सुनी और बल्कि एक नहीं दो सुनी और बच्चों ने इतना हमारा दिल खुश किया, इतने हमारे रूह को जनाब खुशबू मिली, हमें उसकी रूहानियत मिली। और उसके बाद डॉक्टर साहब का जो खिताब है वो तो उसका तो कोई मैच नहीं है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक पढ़ रहा था कि मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। हर फल मौला है, चाहे रिसर्च हो चाहे गाना हो चाहे मौलाना रूम हो चाहे टर्की हो उर्दू हो इंग्लिश हो, माशाल्लाह ऑलराउंडर है। और इनके होते हुए हम क्या बोलेंगे। बहरहाल मैं आप लोगों को अपने दिल की तथा गहराइयों से ये मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी खूबसूरत शाम, इतना खूबसूरत इंतज़ाम और इतने खूबसूरत लोग। अब हमारे खूबसूरत टीचर भी, अब मसूद साहब माशाल्लाह, काठिया साहब, नौमान साहब की तो क्या ही बात है, राय साहब। तो जनाब हमारे खान साहब थे बलूचिस्तान से, वो इनको चांद कह रहे थे और आपको सितारे कह रहे थे, तो आप स्टार्स हैं। कोई टू स्टार, कोई थ्री स्टार, कोई फोर स्टार, कोई फाइव स्टार, कोई सेवन स्टार। ये सेवन स्टार तक गए हैं, जिन्होंने वेलकम बड़ी अच्छी की है सेवन स्टार्स ने। अल्लाह ताला आपको ये वेलकम जो है आपके लिए एक नेक शगुन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सीनियर्स ने बड़ा अच्छा मौका
सेलेक्ट किया है वेलकम कहने का, एक तो इन्होंने सोचा कि फाइनेंस के बंदे हैं कि भाई कुछ लोग जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ जाएंगे तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा, इसलिए पहले सेमेस्टर में इन्होंने वेलकम नहीं दी। इन्होंने कहा जो बचेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जाहिर है जो बचेगा जो तर जाएगा वो ठीक है, जो चला जाएगा पैसे बच जाएंगे। तो एक तो इनकी ये स्ट्रेटजी थी कि इनके खर्चे कम हों, दूसरी ये है कि इन्होंने वो मौका ढूंढा कि अभी अभी जूनियर्स जो हैं माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड हैं, अभी अभी ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लेके, बड़े अच्छे अच्छे जीपी लेके ताज़ा दम हैं, तो इनको अभी वेलकम किया जाए, दे शुड फील एज फ्रेश, मतलब कि इनको मतलब फ्रेश ही लगा है क्योंकि दरमियान में ये थोड़ा सा आउट हो गए थे, तो ये ऐसे लगता है कि ये फ्रेश हो के आए हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह जो मॉर्निंग के बच्चे हैं डॉक्टर मसूद साहब, इसका बारहा और बरमला इजहार करते हैं कि भाई ये एम कॉम इज़ द एक्सलेंट। इसका मैं ज़्यादा तारीफ करूँगा तो लोग कहेंगे बायस्ड है, इसके लिए हमारे काठिया साहब भी बैठे हैं, हम काठिया साहब को भी जहमत देंगे, ये भी ऑब्जर्व करते रहते हैं, और डॉक्टर साहब आज भी ऑब्जर्व करके सुबह सुबह गए थे, और जब एमकॉम की क्लास में से होके आए थे तो एक्सलेंट, ये लेवल बोला। तो बेसिकली ये एमकॉम जो है ये कॉमर्स का नाम है, कॉमर्स जब स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ एमकॉम ही होता था, बाकी प्रोग्राम बाद में आए। सबसे पहले काठिया साहब भी इसके गवाह होंगे, आपका प्रोस्पेक्टस भी आपका गवाह होगा कि सबसे पहले एमकॉम शुरू हुआ था, उसके बाद माशाल्लाह हम बाकियों को भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, सब उस्ताद ट्राई कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कॉमर्स के बच्चे सारे डिपार्टमेंट से अच्छे हों और एक एग्जाम्पल सेट करें और ट्रेडिशंस ऐसी सेट करें जिसको आगे तक चलाया जा सके। और दिस इज़ अ गुड ट्रेडिशन कि सीनियर्स हैव अरेंज्ड वेलकम पार्टी फॉर देयर जूनियर्स। और फहीम साहब और उनके साथ मेरी बेटी, मेरा मुझे नाम भूल गया उनका, वो कह रहे थे कि ये एक रिवायत रही है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की कि ये जूनियर्स को वेलकम कहते हैं और सीनियर्स को सेट ऑफ देते हैं, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी हमें इसी तरह बाय द सेम पॉइंट्स सेंड ऑफ करेंगे। अब उनके दिन भी थोड़े रह गए हैं, उनके सेरेमोनियल डेज खत्म होने को हैं, जस्ट वो जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं भर ले कुड़िए भर ले जितना भर सकनी जो भी है, अब तो भरना भरना बाकी रह गया है और करना करना खत्म हो रहा है, तो ये भरना भरना और करना करना लगा हुआ है। अब ये दिनों को गिन रहे हैं क्रिकेट वो जो थे बालों की तरह के बाल, जैसे इतने बॉल रह गए जनाब, अब इनके क्या रह गए हैं ज़्यादा ज़्यादा 4 हफ्ते, और 4 हफ्तों में ये अपने आप को मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हैं। तो एक साइड पे तो एंजॉय करें, अल्लाह ताला आपको हर वक्त खुश रखे, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जनाब ये ना भूलें कि अपनी जो पैशन है, अपना जो असल मकसद है, जो आप यहाँ पे लेके आए हैं, जो हासिल कर रहे हैं, उसको ना भूलिएगा। नॉलेज लेने आए हैं, तालीम और तरबियत लेने आए हैं, आप यहाँ से एथिक्स लेने आए हैं, आप यू सेट द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एवरीवेयर, वेदर यू आर इन द क्लास, यू आर इन द डिपार्टमेंट, यू आर एट द कैंपस और यू आर आउट ऑफ द कैंपस। देखें जब आपकी अच्छी बातें मिलती हैं, हमारी फाइनेंस में है सिग्नलिंग थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी मीन जैसे डॉक्टर साहब शेर पढ़ते हैं तो मुझे भी कुछ होने लग जाता है, तो वो कहते हैं देख देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो सिग्नलिंग थ्योरी मीन कि अगर आपके बारे में अपने वालदैन को और हमें अच्छे सिग्नल आएंगे तो हम खुश होंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके वालदैन को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान बने, जब स्टूडेंट हैं तो अच्छे स्टूडेंट बने,
और जब फील्ड में जाए तो अच्छे अच्छा परफॉर्म करे, जिससे हमारे डिपार्टमेंट का जो है वो इसका इमेज और बेहतर होगा, और हमारे जो पिछले आपके जूनियर्स हैं वो आपके फुटप्रिंट पे चलेंगे, उनको भी सहूलत होगी, जहाँ भी जाएंगे, हाँ भी कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे रखने हैं यार, ये बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, काम करने वाले बच्चे होते हैं, जिम्मेदार बच्चे होते हैं, ये मैच्योर सोच के बच्चे हैं, ये अच्छी सोच के बच्चे हैं। तो ये चीज़ें हम देख लें। आज मैं एक कुदरती देख रहा था, एक चीज़ डॉक्टर साहब से शेयर करता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, आप लकी हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत लकी। चंद एक लोग होते हैं जो यहाँ पे इस लेवल तक पहुँचते हैं। आप परसेंटेज लगा लें कितने लोगों की आप परसेंटेज हैं, आई थिंक इट इज 0.01% होगा जो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस लेवल पे पहुँचते हैं, और हम सब लोग खुशकिस्मत हैं कि हम इस हद तक पहुँचते हैं।